रीवा के मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर मनोज इंदुलकर को पुनः डीन का प्रभार देने की मांग कर रहे हैं। वहीं मांग पूरी ना होने की स्थिति में आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं। गौरतलब है कि प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डॉक्टर मनोज इंदुलकर को दंडित करते हुए उन्हें डीन के पद से मुक्त कर दिया है और डॉक्टर देवेश सारस्वत को डीन का प्रभार दे दिया है। ये कार्यवाही न्यायालय के आदेश पर की गई है। ऐसे में अब छात्रों का ये आंदोलन डॉक्टर मनोज इंदुलकर को फिर से डीन का प्रभाव और की गई कार्यवाही का विरोध कहां तक जायज है, ये तो गौर करने वाली बात होगी। आइए सुनाते हैं आंदोलनकारी छात्रों का क्या कहना है। मेरा नाम डॉक्टर हृदय दीक्षित है, सर्जरी विभाग में जे आर टू। अभी विगत समय में एक घटना हुई है जिसमें हमारे जो पूर्व डीन थे डॉक्टर मनोज इंदुलकर सर, उनको डीन सर की पोस्ट से हटा दिया गया है एवं उनकी 2 वर्ष की वेतन वृद्धि भी रोक दी गई है। चूँकि जैसा कि हमको सबको पता है कि इंदुलकर सर हमेशा से ही रीवा की जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहे हैं और कोविड जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना पूरा यहाँ पर मदद की है रीवा की जनता की और खुद आगे बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। चाहे अस्पताल में राउंड हो, चाहे मरीज को देखना हो, चाहे मरीज ने अगर एक बार भी आके बोला या उसके घर वालों ने आके, अटेंडर ने भी एक बार आके बोला है, तो मनोज इंदुलकर सर हमेशा आगे रहे हैं। कोविड में उनको सम्मान भी दिया गया, कोविड में जो उन्होंने प्रभावशाली कार्य किया और जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया अस्पताल में डीन की पोस्ट पर रहते हुए, एज अ डॉक्टर, एज अ डीन, एज अ प्रोफेसर, उन्होंने जिस तरीके से मैनेज किया है वो सराहनीय है। खुद सरकार इस चीज़ के लिए उनको प्रोत्साहन कर चुकी है, उनको अवार्ड दे चुकी है। चूँकि अब जैसे ही कोविड की लहर थोड़ी थमी और उनको तुरंत डीन सर की पोस्ट से निकाल दिया गया, जैसा कि आप सभी को ये चीज़ पता है कि जो उनको निकाला गया है वो तरीका सही नहीं है। उसको उन्हें नोटिस देना चाहिए था, उनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए थी, जांच के बाद में जो निष्कर्ष आता वो हमको मंजूर होता, जो कोर्ट की तरफ से होता। लेकिन सीधे इल्ज़ाम लगा के और सीधे किसी को भी पोस्ट से निकालना, हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और इस विरोध में सभी डॉक्टर्स, सभी मेडिकल स्टूडेंट्स, यूजी, पीजी, सारे सफाई कर्मचारी, हमारे वार्ड बॉय, सारी सिस्टर्स, हम सब इस चीज़ के सपोर्ट में हैं और हम चाहते हैं कि इस पर जाँच बिठाई जाए। तब तक के डीन सर को वापस से डीन, जो मनोज इंदुलकर सर हैं उनको वापस से डीन की पोस्ट पर रखा जाए, जब तक कि इसमें कोई एक निष्कर्ष नहीं निकल जाता है। उनको इस तरीके से डीन की पोस्ट से हटाना, हम इस चीज़ का विरोध करते हैं एवं प्रशासन से और शासन से हमारी सिर्फ यही विनती है कि इस तरीके से किसी को भी मनमाने तरीके से निकालना, हम किसी भी तरीके का गतिरोध पैदा करना नहीं चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम अपने कार्य करें, लेकिन इस तरीके से किसी को भी टारगेट करके निकालना, हम इस चीज़ का कड़ा विरोध करते हैं और हम सभी डॉक्टर मनोज इंदुलकर सर के सपोर्ट में हैं और हम खड़े रहेंगे उनके सपोर्ट में। अगर इस चीज़ पे आगे अगर सही तरीके से निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई तो हम अब ठोस कदम उठाने के लिए तैयार रहेंगे।